वही फेमस कंटेंट क्रिएटर और एक्टर भुवन बाम अब डीप फेक वीडियो का शिकार बन चुके हैं। हाल ही में भुवन बाम ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपने डीप फेक वीडियो के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो में भुवन को एक बुकी की भविष्यवाणियों के जरिए लोगों से टेनिस में निवेश करने का रिक्वेस्ट करते आप देख सकते हैं। हालांकि कंटेंट क्रिएटर ने तुरंत कार्रवाई की और मुंबई के ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीप फेक वीडियो का शिकार हो गए हैं कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम, जिसके बाद हर तरफ इनके वीडियो की काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। इस मुद्दे पर बात करते हुए भुवन बाम ने अपने फैंस से सतर्क रहने के लिए कहा है और बोला है कि मैं अपने सभी फैंस और फॉलोअर्स को मेरे डीप फेक वीडियो के बारे में सचेत करना चाहता हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी और गुमराह करने वाला है, जो लोगों को सट्टेबाज की तरफ से टेनिस में निवेश करने के लिए काफी ज्यादा प्रमोट करता है। मेरी टीम ने पहले ही ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी हाँ, बॉलीवुड और टीवी में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो कि डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं और इस लिस्ट में अब नया नाम जुड़ा है भुवन बाम का। उन्होंने कहा कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के झांसे में बिल्कुल ना आए, कृपया सुरक्षित रहें और कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से बचें जिससे कि आपको परेशानी हो या फिर आपके पैसे का नुकसान हो। सतर्क रहना और धोखेबाजों के झांसे में ना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपको बता दें कि भुवन बाम पहले ऐसे इंडियन सेलिब्रिटी नहीं है जो कि डीप फेक का शिकार हुए हों। इससे पहले आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना समेत कई एक्टर्स अपने डीप फेक वीडियो के बाद काफ़ी परेशान नजर आए थे और इस बार भुवन बाम को जब ये पता चला कि कोई उनके नाम पर पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को झांसा दे रहा है, तो उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस साल की शुरुआत में रणवीर सिंह का भी एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया था, जिसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के एक्टर्स सरकार की आलोचना करते नजर आए थे। जी हाँ, ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो कि डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं और इसके बाद वो पुलिस में भी जा चुके हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। अगर आपने फिल्म बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।